पहली फिल्में और इतनी मेहनत से मैंने फिल्म बनाई, तो प्लीज़ इनके साथ ज़रा आप हाँ उनका ख्याल रखें। हमने देखा काफ़ी ध्यान से आप ट्रेलर देख रहे थे और काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। आप ट्रेलर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा ट्रेलर है, जैसा कि आपने देखा अभी, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। आप इनसे बात कर लीजिए। फिल्म एक्टर और भाई जो एक्टर फिल्म के एक्टर सारे बुला लेते हैं फिल्म सर। और आप हमने देखा कि आज यहाँ पर इरफान खान भी आए और उन्होंने कहा कि ट्रेलर हमें बहुत ही अच्छा लगा। फिल्म आपकी है, आप जो भी फिल्म है क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म कॉमेडी है, कॉमेडी फिल्म है, बॉम्बे का सब्जेक्ट है, यही टैक्सी ड्राइवर है, फुल कॉमेडी है, यही कहना चाहूँगा। फिल्म रिलीज होगी बहुत जल्दी, आप लोग देखिएगा। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, टैक्सी ड्राइवर लोग, उनको हमेशा इच्छा होती है कि हम कुछ बड़ा बन जाएँ और बड़ा बनने के लिए पैसे चाहिए। तो मुझे ऐसी सिचुएशन उनके सामने आती है कि उनको 50 लाख रुपये की लॉटरी टाइप की करने वाली है। और कुछ और बम्पर ड्रॉ फिल्म में मैंने एक डॉक्टर का रोल निभाया है, एक बच्चे डॉक्टर है, गाँव में थोड़ा बहुत पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। मैं पूरी आनंद आऊँगा, लेकिन रोल बहुत अच्छा है और काफ़ी कुछ कॉमेडी क्रिएट की है। राजपाल खान ने काफ़ी अच्छा क्रिएट की है, काफ़ी पैसा खर्च किया है और अच्छी फिल्म बनी है। बम्पर ड्रॉ वेरी नाइस फिल्म और इसमें हर चीज़ मिलेगी आपको। एक ही दिन का, एक ही रात का विश्वास है, ये मतलब। और आप लोगों ने अच्छा काम किया है, मैं कहूँगा कि आप लोगों की फिल्म बम्पर ड्रॉ अभी जल्दी। नमस्कार। हमने देखा इरफान खान भी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए आए और वो भी आपका मौजूद, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? हाँ जरूर जरूर, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा होगा, कोई सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात हुई है, उनमें कुछ है, कोई भी सपोर्ट कर। खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। इन्हीं जगहों पर मैंने शूटिंग की थी जहाँ पे ये त्रासदी हुई है। उसी पाटन जगह जहाँ पे पुराने मंदिर थे, वहाँ पर हमने शूटिंग की और उसके बाद ये हुआ। हमारे घर सब लोग हम लोग यही देख रहे थे, सब निकालते बहुत। और ये सारा दुख तो है नेपाल के सारे नगरवासियों को, वहाँ के सिटीजन को दुख है, लेकिन हमको इस दुख का जो गुस्सा निकालना है ना, अगर आप लोग सिर्फ ये खामखा की फिल्मी खबरें, वो तो है, ये सब साले बिल्डर्स हैं जो पूरे देश के ये विलन हैं, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। इतनी ज़मीनें खोद दी हैं सबने पूरे दुनिया भर में, इनको सेंस नहीं है कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं नेपाल में उनको कल मैंने फ़ोन भी किया, तो पूछा भी कैसे घर वाले हैं, कैसे हो रहा है। तो यार नेचुरली बुरा तो लगता ही है यार। बिहार में हमारे भाई बहन, वो मैंने रियल थप्पड़ कहे थे, पूरे दिन में मैंने 55 थप्पड़ कहे थे रियल। हाँ और कुछ भाई, अब मैं राजपाल जी के साथ मैं नहीं करूंगा। मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर जो टैक्सी ड्राइवर है, जो स्टार्टिंग में एक लड़की आती है, उससे पहले एक आदमी आता है और जो मुझे उल्लू बना के निकल जाता है, मैं गुस्से में होता हूँ। और नेक्स्ट उसके बाद में लड़की आती है जो एकदम फर्स्ट क्लास दिखती है, तो उसको मतलब वो देखने से बस अभी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जी, सबसे पहले तो मैं भाई के बारे में बोलूँगा, इरफान जी के बारे में। मेरे फेवरेट स्टार है और उनके ऐसा मतलब बहुत कम एक्टर्स होते हैं, मैं उनका फॉलोवर हूँ। और हाँ, इरफान जी है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और इरफान जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच। जी, मेरा म्यूज़िक है, मेरे गाने हैं और मुदस्सिर आप उन्होंने गाना गाया है, प्रमोशनल सॉन्ग है वो, क्योंकि आपने भी सुना, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया उन्होंने और आप सबको भी पसंद आया होगा मेरे ख्याल से। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक हुआ है, लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स जाता है म्यूज़िक के लिए, उन्होंने भी पता लगेगा। बम्पर ड्रॉ आज आपके हाथ में सबने बहुत मेहनत की है। राजपाल यादव इज रियली डन वेल एंड आई एम हियर टू जस्ट सपोर्ट दिस एक्टर्स एंड यू नो बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन दे आर हियर फॉर, एंड इट्स नाइस टू सी पीपल लाइक इरफान खान एंड Himanshu, दे आर आल्सो सपोर्टिंग द कॉज, एंड आई एम श्योर इट विल बी अ नाइस शो। बम्पर ड्रॉ से याद आता है कि ऐसे लोग मुंबई में बम्पर ड्रॉ के गाने लॉटरी ऐसी कोई ऐसे ट्राई करने की, चलो मुंबई में ऐसे कुछ कभी तो वर्मा ने कभी इस तरह की चीज़ें कोई ट्राई किया क्या? नो, आई डोंट बिलीव। मुझे लॉटरीज वगैरह में गैम्बलिंग में आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, बट आई थिंक सम पीपल डू इट एंड इट्स ऑन देयर विश टू विल। और इस फिल्म को आप भी सपोर्ट कर रही है, हमने देखा कि इरफान भी आया, वो भी सपोर्ट कर रही है, क्या कुछ कहना चाहिए आपके बारे में? आई थिंक इरफान इज़ एन ऑसम एक्टर एंड ही इज़ rather an actor par excellence, and he's too good in his job, and to be in the same place where he is definitely a boon. And of course, Himanshu is himself a very good director. Comedy movie, and I really like the promo. The audience will definitely love it. Bumper Draw की हम लोग बात करते हैं, अक्सर लोग मुंबई आते हैं, ऐसी लॉटरी या बम्पर ड्रॉ ट्राई करना, आपने कभी किसी कभी वो ट्राई की है, चलो यार लॉटरी लग जाए? वेल, अभी तक तो ट्राई नहीं किया। आफ्टर सीइंग दिस प्रोमो आई थिंक आई विल ट्राई डेफिनेटली। और तो एक काम हम यहाँ पर आए, हम देखा he's a very good actor, so that's what I can say about him. After which project ya after I'm modeling right now, but soon I'll be there in the making. The movie, yeah, movie. Little about what character I cannot say about right now, but you can see like this. मैं इस बम्पर ड्रॉ फिल्म में जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इरफान खान, इसमें मैंने विलियम का कैरेक्टर प्ले किया, जिसके थ्रू ये पूरी पिक्चर ऑडियंस देखेगी, जिसका पैसा उस गर्लफ्रेंड लेके भागती है और वो कैसे कैसे किस किस किस्म के लोगों के साथ तरह तरह के लोगों से मतलब इसके मुखातिब होते हैं और कैसे कैसे उसका सुखद अंत होता है। जैसे कॉमेडी मतलब उस जॉनर की फिल्म है जिसमें लोग एंटरटेन किया जा सकता है। तो आई थिंक इट्स ए फिल्म विच द डायरेक्टर द प्रोड्यूसर इरफान खान ट्राइज टू एंटरटेन द ऑडियंस, और मैं उसमें वो हिस्से का मतलब कैरेक्टर दिखा रहा हूँ जिसके जरिए पूरी पिक्चर में कहानी बताया जा रहा है। राजपाल से रेनी जी का 2-3 साल बाद पास आउट हुए हैं, और जाकिर भाई जैसे इंसान जो बाद में पास आउट हुए हैं, इरफान जी जो इस पिक्चर में बहुत सारी मदद कर रहे हैं, मतलब इरशाद का दोस्त है। तो सब कुल मिलाकर हम लोग एक ही फैमिली के हैं। सीताराम पांचाल हैं, हरीशरी होते हैं, सभी राष्ट्रीय नाट्य में पास आउट हैं। इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टू वर्क, यू नो, द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। सो आई थिंक इट्स अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टू वर्क for a film with whom you know earlier. आई थिंक दिमांशु जी के साथ मैंने राजधानी सीरियल में पहले काम कर चुका था, और जो इरफान भाई उनके साथ मैंने संडे में काम कर चुका था। सो दे आर फैमिलियर विथ मी, बट आई थिंक दे आर द वेरी फैंटास्टिक एक्टर। Dimang Singh also as a director also is fantastic, and as an actor also. And Irfan ji, you know, the whole world knows that Irfan ji is a fantastic actor. So it's not हम लोग जब काम करते हैं ना तो ऐसा नहीं कि who is more famous, हम काम करते हैं कि जिसका जितना हिस्सेदारी है इस पिक्चर में हम उतना निभाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जाते हैं फिल्म का नाम है बम्पर ड्रॉ। नहीं, मैंने लॉटरी का टिकट तो नहीं ख़रीदा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जब कोई थिएटर से या बाहर से आते हैं तो हम लोग उसी बम्पर ड्रॉ के लिए वेट करते हैं। और इट्स ए इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया जो तरक्की के कगार पे है, तो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर देयर ओन बम्पर ड्रॉ एंड मी टू। एंड मुझे लगता है कि मुंबई के इस में बहुत ज़्यादा मैं महत्व मुंबई को देता हूँ, बिकॉज इट्स ए कैपिटल वे एनी फील्ड, स्पॉट बॉय, बड़ा पाव बेचने वाला, एक्टर, इंजीनियर, एनीथिंग, पॉलिटिशियन, इसका बहुत 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 ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो आई थिंक ऑल द बेस्ट टू एवरी मुंबई गर्स एंड एवरी इंडियंस हु वांट्स टू कम टू बॉम्बे एंड मेक देयर ओन लाइफ एंड टू विन ए बम्पर ड्रॉ।